हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एचडी के न्यूज नॉलेज में। बीजेपी ने कलेक्टर परिसर में किसानों की संपूर्ण कर्ज माफी, बेरोजगार भत्ते को लेकर गहलोत सरकार के खिलाफ की जमकर नारेबाजी और कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। बाड़मेर बीजेपी ने प्रदेश की गहलोत सरकार के खिलाफ वादा खिलाफी सहित विभिन्न मांगों के लेकर जिला कलेक्टर परिसर में जमकर नारेबाजी का प्रदर्शन किया। बीजेपी जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने जिला कलेक्टर लोक बंधु के नाम पर राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा। प्रदेश बीजेपी के आह्वान पर जिला मुख्यालय पर शुक्रवार को भाजपाइयों ने प्रदेश की गहलोत सरकार के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए प्रदर्शन किया। भाजपाइयों ने गहलोत सरकार पर वादा खिलाफ का आरोप लगाया और गहलोत सरकार के राज पर कानून व्यवस्था और बढ़ते बिजली के दाम को लेकर सरकार को जनता का विरोध सरकार बताया। भाजपा शहर नगर मंडल अध्यक्ष सुरेश मोदी के मुताबिक कांग्रेस ने सत्ता में आने से पूर्व किसानों के पूर्व कर्ज माफी, युवाओं को बेरोजगार भत्ता समेत कई बड़े वादे किए थे, लेकिन सत्ता में आने के बाद कांग्रेस सरकार जनता से किए सारे वादे भूल गई है। कोरोना काल में व्यापार ठप होने से लोग आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं। बिजली यूनिट की बढ़ती दरों में कमी की और प्रदेश में बढ़ रहे अपराधों, बढ़ते गैंगरेप के मामलों और बढ़ रहे अवैध बजरी खनन, प्रदेश में पनप रहे भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने की मांग की है। पानी के संकट को दूर किया जाएगा। ज्ञापन के दौरान नगर परिषद के प्रतिपक्ष नेता पृथ्वी चंडक, पूर्व विधायक एवं जिला अध्यक्ष जालम सिंह रावलोत, लक्ष्मण बडेरा, गौरव खत्री सहित भाजपा के दर्जनों पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता मौजूद रहे। धन्यवाद दोस्तों, बने रहेगा हमारे चैनल एचजी के न्यूज नॉलेज के साथ।